क्या हुआ क्या हुआ प्रॉफिट में ही रहोगे, ऐसी बार्गेनिंग करोगे तो। हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो क्या हाल है आप सबके? मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको क्या लगा, मैंने कोई बात सही बोली है या नहीं? माता बीच में माता जा। सो कैसा लगा आपको? आज बज रहे हैं 2:40 हो रहे हैं, तो फिर फिलहाल अभी मतलब खाना खाता हूँ क्योंकि कंपनी गया था, कंपनी से आया सुबह, खाना खाता हूँ, जाना है यहाँ से, खाना खाता हूँ, फिर हम निकलते हैं त्रिम्बकेश्वर के लिए। सो यस, हम निकलते हैं त्रिम्बकेश्वर के लिए। बाय बाय बॉय, बाय बाय। बैग भी ले लिया, सारा सामान ले लिया, अब चलते हैं त्रिम्बकेश्वर के लिए। और वो लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो फटाफट निकलते हैं और वहाँ जाके हम बातचीत करते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी है और आपको पता ही है। तो दो महान को देखो, वहाँ पे वो लोग खड़े हैं, देख रहे हो, दोनों खड़े हैं। वहां से मेरे को फोन लगा रहे कि मैं कहाँ पे हूँ। हमारा वेट कर रहा था कि ये कॉल करेंगे तभी बोलूंगा। भाई मैं तुम लोग को कब से हाथ दे रहा हूँ, ये मेरे तरफ देख के। मेरे को एक बात बता, मैं तेरे को यहाँ पे खड़े होके हाथ दे रहा हूँ, तू वहाँ से मेरे को देख के तू मुंडी घुमा रहा है। अब मेरे को पता ये मैं क्या अब शब्द बोलू तेरे लिए, मैं यहाँ पे खड़े होके तेरे को दिखा रहा हूँ और ये वहां से खड़े होके ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे चश्मे देख रहा है और देख रहा है खुद को। और मैं तेरे को फोन पे बोल रहा हूँ यहाँ पे देख, यहाँ पे तू वहां पे देख रहा है। हो गए तेरी रामायण चले। अभी कितने अच्छे दोस्त मिले मेरे को, देखो कितने होशियार हैं। इधर और पार्क करते हैं। नहीं नहीं, अरे यार इधर नो पार्किंग है, किधर और पार्क करते हैं? यहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड है। सुनो तुम दोनों, ओए तू, मैं उर्दू में बोल रहा था, वहाँ पे इतनी मस्त पार्किंग में कोई नहीं रोकता कहाँ से जाते पीछे से। पीछे से? अरे पर वहाँ क्या प्रॉब्लम थी पीछे? वो बहुत पीछे, फिर यही रख देगा ना, माला ले लेते निकलते। किधर है नो पार्किंग? नहीं उठाएंगे, उठा ली तो वही डर लग रहा है कि कोई उठा लिया तो गाड़ी, क्योंकि वहाँ पे देखो नो पार्किंग है, अगर उठा लिया तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी गाड़ी से। दादा दे दो इन्हें, अबे चलो। बार्गेनिंग में बहुत माहिर है हम लोग, टेंशन मत ले। वही तो बोल रहा, बार्गेनिंग में बहुत मायरे कह रहा था। हाँ ना भाई। और हाँ, सो मैं एक बात बता रहा, आप त्रम्बकेश्वर से निकलोगे ना तो मतलब आने के लिए जब हाईवे पे आओगे तो आपको ना एक बोर्ड दिखेगा, ठीक है, सुला का एक बोर्ड रहेगा, वहां से आप स्टार्ट करना, ठीक है। त्रम्बकेश्वर में आते ना सब मेरा थोड़ा देख रहे, तो एक बोर्ड दिखेगा वहां से आप स्टार्ट करना, और वहां से जब स्टार्ट होगा ना हर 5 किलोमीटर पे स्पीड ब्रेकर है, तो सावधान, क्योंकि मैंने इसका स्पीड टेस्ट किया था, इसका ज्यादा नहीं कर पाया क्योंकि ब्रेकर आ गया था, और ब्रेकर पे पूरी की पूरी गाड़ी कूद जाती है, ऐसा होता है, पोर्ट्रेट मत तो ऐसा। तो इसका हाँ, और हाई स्पीड इसका था कितना था, 113। हाई स्पीड मतलब इतना ही नहीं किया क्योंकि मैंने इसको स्लो कर दिया था गाड़ी को, अभी ऑल सेट। और गाड़ी की इंजन, भाई इस गाड़ी की जो इंजन थी ना वो इतनी वाइब्रेट करने लगी थी ना 113 पे जाके, उसका तो क्या बोल रहा था तू, टायर पीछे का हिल रहा था क्या, ऐसा सीन था क्या, है ना, मतलब ऑल सेट है, लेकिन इसका इंजन बहुत ही वाइब्रेट करने लगा था। और पता नहीं पल्सर का एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप चलाते हो ना और फुल स्पीड तक जाती ना गाड़ी, तब गाड़ी की जो चैन है उनमें क्या होता है भाई, चैन वाइब्रेशन होने लगता है ना, और वो कैसी एकदम इरिटेटिंग वाली आवाज आती है, मतलब मन ही नहीं करता फिर चलाने की गाड़ी, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये सही हो जाता है इसका जो प्रॉब्लम है। अब चलेंगे गाइस, चलो चलो चलना, चलो चल चल बे, ओ सेट, चलो पंडित जी, चलो चलो, अब आप चलते त्रिम्बकेश्वर में और देखा जाएगा कि क्या क्या होता है। बार्गेन एक्सपर्ट आज कर पाएंगे नहीं बार्गेनिंग, कितनी की बार्गेनिंग होगी देखते हैं अभी कितनी प्राइस होगी। तेरे क्या लगता है कितनी की बार्गेनिंग हो पाएगी?
40-50 की तो कर लो कम से कम। हाँ चल ठीक है, चलो गाइस ये देखते बार्गेनिंग हम कर पाते कि नहीं। आज ये सब भूल ही गए थे कि मैं लॉक लेके आऊं, और एक लॉक में लग जाएगी ना। अरे वाह अरे हाँ दिखाना दिखाना इसका ना, ये भूल गया था कि इसको ऐसा वाला नहीं है, ये वाला इसका पट्टा और को भी खोल के लेके चला जाएगा। कितना कितना बुरा लगता है ना, वहां से घूम के हम ये लगाने आए। अरे चल ना, मैं ले लूंगा। अरे चल ठीक है, कैरी कर ले। मेरे बैग में सब कुछ रहता है, वाटर बॉटल, लॉकर वगैरह सब। मैं वो हूँ पता है आपको, मैं वो भागम भाग में का नहीं, क्या वो क्या नाम रहता है उसका, भागम भाग में का अक्षय कुमार के साथ रहते हैं सुनील शेट्टी। व्हाट द फक, एक्टर की बात कर रहा हूँ तू, किसकी बात कर रहा है? भागम भाग में रहता है ना। अरे हाँ लंदन में जाते हैं। गोविंदा सर, मैं वो पता है बैग में मेरे हर चीज रहता है, वाटर बॉटल, नैपकिन, ये वो, मतलब जितना भी सामान लगता है ना अपने को घूमने के लिए, सारा सामान मैं कैरी करके लेके चलता हूँ एकदम फिट। देखते बार्गेन कर पा रहे कि नहीं, ये बार्गेनिंग स्टार्ट किया इसने। ठीक है 150 से कितना लेके आया? रुक मैं भैया को कॉल करता हूँ फटाफट। भैया को क्यों, पैसे तो उसी से मांगूंगा ना। अरे हाँ कूल बॉयज बार्गेनिंग सक्सेस हो पाता है कि नहीं। अरे वहाँ पे QR कोड नहीं है शायद से, ऑनलाइन। अरे दादाजी नहीं, वो थोड़ी सी छोटी है। कहिए कितना है पैसे भेजना, कितना है? 70 बक 60 नहीं का कैमरा लेके आ रहा है एकदम 70 ना। अरे बार्गेनिंग में हम सक्सेस हुए, पता है कितना? तू पहले कर दे। अरे सॉरी भाई, मतलब पैसे कटे लेकिन वापस आ गए और हम ले नहीं पाए। हाँ भाई बजा लो, हाँ तुम मेरे साइड में से ट्रेन लेके जाओ, बैंड बजा लो, डीजे बजा लो। हाल जब ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो ना, तब किसी को हॉर्न बजाना है तो कोई सोसाइटी में घर के इधर आके कोई दूध बेचेगा तो कोई कुछ करेगा। हाँ तो दिक्कत ये हुई कि हमने बार्गेन कर लिया था, ठीक है 150 से हमने 70 तक लेके आए हैं, और फिर हुआ ये कि पेमेंट फेल हो गया क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट था, हो नहीं पाया। वो उनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं। बार्गेनिंग हो चुकी, 150 की माला 70 रुपए में, और ऐसी बार्गेनिंग आप भी करना। क्या हुआ? प्रॉफिट में ही रहोगे ऐसी बार्गेनिंग करोगे तो। और मतलब ज्यादा मैंने नहीं की, ज्यादा इसने की। अरे तूने की, मैंने तो नहीं की। नहीं भाई मैंने भी की, इसने भी की, ठीक है। इस मंदिर तो नहीं जा सकते लेकिन अब महादेव जी के दर्शन यहीं से कर लो, महादेव जी के मंदिर में नहीं जा सकते, लेट हो गया है और निकलना भी इसकी वजह से हम नहीं जा सकते मंदिर में। आप यहीं से दर्शन कर लीजिए, वो देखिए लाइव चल रहा है। हम त्र्यंबकेश्वर के तो महादेव जी के दर्शन तो नहीं कर पाए, बाहर से ही हमने दर्शन लेके वहां से चलते बसे। फिलहाल अभी अन्नपूर्णा देवी जी के दर्शन करते हैं और मंदिर में चलते हैं। ये थी छोटी सी क्लिप अन्नपूर्णा देवी जी के
मंदिर का अन्नपूर्ण समझ रहे हो ना, अन्न अन्न अनाज, अन्नपूर्ण देवी जी का मंदिर है अनाज। ये देख ले अन्नपूर्ण देवी जी के मंदिर की, ये जस्ट त्रिम्बकेश्वर है ना महादेव जी का मंदिर, वो सुनते ना मंदिर, वो मंदिर है ना वो। वो मंदिर के आप खड़े रहोगे ना वो मंदिर के सामने, आपको वो मंदिर को वो जो टॉप का क्या बोलते हैं उसको, कलश, कलश बोलते, कलश वो पूरा आपको वहां से ना क्लियर दिखेगा, है ना, वो वहां से आपको पूरा क्लियर दिखेगा, मुझे नहीं पता था, वो वहां से पूरा क्लियर दिखेगा और आप यहाँ बहुत ही पीसफुल एकदम सही एकदम शांति और मतलब बैठ के तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे ऐसी जगह पे बैठना बहुत मस्त है, ऐसी जगह पे विजिट करना ना बहुत ही अच्छा लगता है, आप अपने फैमिली के साथ आना बहुत ही अच्छा है। और बहुत कुछ वो रहा ब्रह्मगिरी पर्वत, ये जो ब्रह्मगिरी पर्वत दिख रहा है ना आपको, ये मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आई होप वो क्लियर दिखे शायद से। ये जो दिख रहा है ना आपको छोटा सा, वो एक छोटी सी झोपड़ी है, वो झोपड़ी के आगे महादेव जी ने जहाँ पे जटा पटकी थी अपनी, वो वहां पे उसके करीबन कितना आगे है, एक दो किलोमीटर आगे, वहां का भी ब्लॉग में लेके आऊंगा जहाँ पे महादेव जी ने अपनी जटा पटकी थी, समझ रहे हो, और उसकी भी पूरी मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कैसा क्या था वहां पे भी। वो जस्ट उसके आगे आई थिंक सो एडिटिंग के बाद वो वीडियो में नहीं दिख पाया तो सॉरी, लेकिन वो उस चीज के आगे मैं उसका भी ब्लॉग लेके आऊंगा, प्लान करेंगे फिर हम सब जाएंगे। जो अभी आप क्लिप देखने वाले हो ना, वो क्लिप में अन्नपूर्णा देवी जी का पूरा कथा है और उस कथा में भगवान श्री कृष्ण जी भी है उसमें, और ये क्लिप जरूर ध्यान से देखना क्योंकि ये क्लिप बहुत सही है और इसमें ये पूरे इसमें ना आपको सब कुछ दिख जाएगा, मतलब ये सब कुछ दिखने वाला है। तो और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भगवान श्री कृष्ण जी कहाँ पे आए थे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे।